20 दिन में कैसे सारी ब्लाउज ये करेंगी। और फिर मैंने जब फर्स्ट ब्लाउज में अपना देखा ना, तो सच में मैं बिल्कुल ही मतलब अपोजिट कि कैसे मतलब, तो ये मेहनत है, हाँ, लगन है। तो अब बहुत। बिहार जाएंगे तो क्या धूम मचाने वाले हैं। अभी तो प्रैक्टिस चलेगी 1-1.5 महीने तक लगातार, राइट और अपने घर मैं भी में। चाहती। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आपका वेलकम, आपका थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक किया। वैसे तो आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया है कि आज हम दीपशिखा के साथ बात करने वाले हैं। आप सबको दीपशिखा बताएगी कि ये कहाँ से आई है और उसने इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ मुझे ही क्यों चुना यहाँ पर आने के लिए और यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए। दीपशिखा हाँ, नमस्ते मैम। आपका थैंक यू, आप इतनी दूर से आए हैं मेरे पास जी और मैं खुद को बहुत मतलब प्राउड फील कर रही हूँ कि इतनी दूर दूर से इस बैच में स्टूडेंट्स आए और सभी स्टूडेंट्स का काम देखकर, सभी स्टूडेंट्स का मतलब जो उन्होंने ब्लाउजेस को स्टिच करके मुझे दिखाया, तो सबका जी एकदम परफेक्ट। आपने देखा कि जी यहाँ मैम, पर जितने भी स्टूडेंट हैं सभी ब्लाउजेस और सभी का काम इतना परफेक्ट। वरना स्टार्टिंग में जब मैंने ये बैच स्टार्ट करने की सोची थी तो मैंने सोचा था कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ रखूँगी, अच्छा। लेकिन जैसे ही मैंने काम देखा मैं रियली मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं किसको फर्स्ट रखूँ, किसको सेकंड और किसको थर्ड। जी मतलब बाकी स्टूडेंट्स जिनका काम इतना परफेक्ट है फिर कैसे हाँ, होगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि ये अवार्ड तो सबके लिए बनता है क्योंकि एक-एक स्टूडेंट का काम इतना परफेक्ट, जी सबने मैम। बहुत अच्छे से बनाया। और आप बताइए पहले आप कहाँ से आए हैं और मैं आसाम से आई हूँ, जोरहाट आसाम से हूँ। मैं पहली बार आपको फेसबुक पर देखा था, फेसबुक पर ये रील्स में देखा था, तब से मैं आपकी वीडियो देख के आई हूँ। तब से मुझे पसंद है आपको वीडियो देखना। वीडियो देखने के लिए मेरा मोबाइल का डेटा कम पड़ जाता है, इसलिए मैंने घर पे वाईफाई लगा दिया। तब मैंने दिन भर मतलब वो वीडियो ही देखती रहती हूँ। तब जाके मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी दिल्ली जाऊँ, मैं सीख के आऊँ। मैं पहले सोचती थी कि मैं ऑनलाइन ट्राई करूँ एक बार। मैं पहले ज़्यादा इतना स्टिच नहीं करती थी, इसलिए मुझे ऑफलाइन बैच आना पसंद किया मैंने, इसलिए मैं आ गई दिल्ली। ना मुझे भी लग रहा था कि जब आप फर्स्ट डे आए थे हाँ और आपने मेरे लिए वो साड़ी गिफ्ट की तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुझे बहुत हाँ पसंद आई। वैसे मैं उसको जब भी पहनूंगी, जब भी मैं उसको पहनूंगी आप फोटो भेज और देना मैं आपको मुझे। ज़रूर फोटो शेयर करूंगी। और मैं उसको साड़ी को मतलब ऐसे ओकेज़न पे पहनना चाहती हूँ जहाँ पर मतलब मुझे फील आए कि मुझे दीपशिखा ने इस साड़ी को गिफ्ट हाँ, किया, और मैं उस फोटो को मतलब हाईलाइट करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में अच्छा कि मतलब मुझे बहुत जी। पसंद आई है, कलर हाँ बहुत प्यारा हाँ और मतलब साड़ी बहुत अच्छी थी जो आपने मुझे गिफ्ट की है, और मैं उसको पहनूंगी तो मैं बहुत परफेक्ट, मेरे लाइफ का जो सबसे अच्छा डे होगा मैं उस दिन उसको ज़रूर पहनूंगी। हाँ और मैं वीडियो और पिक्चर दोनों शेयर करूंगी सोशल मीडिया पे। जी। और एक्चुअली वो साड़ी नहीं है, वो असमीज मेखला चादर है, जो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसलिए मैंने आपके लिए वो पसंद करके लाई थी खुद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। और आपने जितने भी ब्लाउजेज स्टिच किए हैं सब ब्लाउज एकदम परफेक्ट थे, और मैंने उनकी जो छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं वो हाँ सब ली हैं मैंने ताकि जी मैं जी शेयर मैम। करूं और सभी को बताऊं कि मतलब यहाँ पर जब स्टूडेंट आते हैं तो उनका अगर बेसिक क्लियर भी है तब भी क्लासेस लेने के बाद उनको लगता है कि नहीं मेरा बेसिक क्लियर नहीं है। नहीं, और हाँ मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, इस बार मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला इस जी मैम, 20 डेज़ की क्लास को देते हुए, हाँ क्योंकि मैंने देखा कि जब आपने बताया ना कि मैंने कभी कुछ स्टिच किया ही नहीं और मैं मतलब परेशान हाँ कि मेरे पास इतनी दूर दूर से स्टूडेंट आए हैं और मैं कैसे उनको सिखा पाऊँगी, बिल्कुल परफेक्ट बना पाऊँगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 डेज़ में। 20 डेज में। हाँ तो आप सब देख सकते हो दीपशिखा की जो भी ब्लाउजेज स्टिच हुई हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। सभी स्टूडेंट के साथ मैं ऐसा पर्सनली वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, और दूसरा सब बहुत जल्दी में थे। दीपशिखा का अभी 1-2 दिन है यहाँ पे दिल्ली में, तो दीपशिखा भी हमारे पास मतलब 1-2 दिन और स्टे करेगी, तो मुझे लगा कि अब इसके साथ जब हम
परफेक्टली वीडियो बनाएंगे, तब आपको बहुत सारी चीज़ों से मतलब चीज़ों की हेल्प मिलेगी कि हाँ यहाँ पर आकर जब आप सीखेंगे तो रियली आपका परफेक्ट मतलब जो भी आपकी स्टिचिंग में आपको ये डाउट्स हो रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, अगर आप बिल्कुल जीरो हैं तब भी आप बिल्कुल परफेक्टली यहाँ से बन के जाएंगे जी। दीपशिखा का एक्सपीरियंस, दीपशिखा आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। बोलने के लिए तो बहुत ही है, क्या बोलूँ, ये मुँह में नहीं आ रही है इसलिए ज़्यादा मैं ही बोल रही हूँ। मुझे पता है कि जब फ्रंट जब सामने कैमरा होता है ना, तो वर्ड्स भूल जाते हैं। हाँ हाँ वो वैसे तो बहुत सारा आता है लेकिन आप कुछ बोला नहीं जा रहा है। ऐसा होता है मेरे मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था, तो मैं फीलिंग समझ सकती हूँ। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में वीडियोस बनाते हैं ना, तो हमारा हमारे अंदर जो भी थॉट जो भी हमारे अंदर चल रहा होता है खुराफाती, वो सब गुम हो जाता है, गुल हो जाता है। तो हमें लगता होता है ना कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, ये सारी चीजें मतलब कैप्चर की जा रही है, तो हमारे पास वर्ड्स नहीं होते बताने के लिए। वैसे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। क्या बोलूँ, मुझे पहले ऐसा लगा था क्या मुझसे हो पाएगा, लेकिन जब पहली ब्लाउज मैंने स्टिच किया तब जाके मुझ में वो क्या बोलते हैं वो कॉन्फिडेंस आ गया, कर सकती हूँ। वो जितना भी टफ हो मुझे ऐसा लगा कि मैं कर लूँगी। जब सब्यसाची ब्लाउज का की बारी आई ना, तब जाके मुझे ऐसा लगा ये भी कर लूँगी। इतना एक्सपेक्ट मैंने एक्साइटमेंट होती है ना, कल कुछ अलग सीखने को मिलेगा, परसों अलग सीखने को मिलेगा, तब बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। और फिर मैं आऊँगी, एडवांस कोर्स के लिए भी आऊँगी। आप बोलना कुछ दिन पहले बोल देना, क्योंकि इतनी दूर से आना तो फटक से तो नहीं, कम से कम मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं कोई भी न्यू कोर्स अनाउंस करती हूँ, तो मैं कम से कम सबके पास 1 मंथ तो होना चाहिए, क्योंकि टिकट भी बुक करना होता है, बाकी प्लानिंग करनी होती है, राइट। तो पहले से ही प्लान हो तो शायद और भी अच्छा रहेगा, और क्योंकि फिर एकदम से प्लानिंग नहीं होता। हाँ, अगर हम एकदम से अनाउंस करते हैं कि हमारा ये बैच है, और फिर दूर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है। इस बार भी मैंने बहुत मैनेज करके आना पड़ा, बट कोशिश करूंगी फिर आऊंगी। बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप इतने दूर से आए और यहाँ पर सीखा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी दूर दूर से स्टूडेंट आएंगे और मैं मुझे मौका मिलेगा उन सबको सिखाने का। शायद मैं बहुत लकी हूँ। एक्चुअली मैं लकी हूँ। ऊपर वाले ने मुझे वो क्या बोलते हैं वो दिया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन वो जो समय है ना वो नहीं मिलता, लेकिन मुझे मिला है ये, इसलिए मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच दीपशिखा, थैंक यू आए और इंजॉय कीजिए, अभी एक दो दिन है आपके पास। कल से तो मैं घूमने जाऊंगी या अगले वो जो दिन बीत गए ना वो जाने के बाद, वो तो 5-6 बजे यहाँ ही हो जाते हैं। जाने के बाद वो वीडियो देखकर अपना नोट वगैरह वो सब बना लेती हूँ, फिर बाद तो थकान आती है, खा के सो जाती हूँ इसलिए घूमना नहीं पाया। कल से जाऊंगी फिर से घूमने। मैं भी आऊंगी वहाँ पर, जरूर 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 आसाम आइए, जरूर आऊंगी आपको आसाम घुमाएंगे, काजीरंगा दिखाएंगे, ब्रह्मपुत्र दिखाएंगे, कामाख्या मंदिर दर्शन कराएंगे, जरूर जरूर, जरूर आएंगे। ओके एवरीवन, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, और मैं सच बता रही हूँ कि यहाँ पर देखिए दीपशिखा भी हैं, और दीपशिखा का काम बहुत परफेक्ट है, आपने वीडियो में भी देखा है, और मैंने बहुत सारी इंस्टाग्राम पर भी रील्स बनाई हैं जो दीपशिखा ने वीडियोस में मतलब हमने प्रेजेंट किया है कि हमारे स्टूडेंट्स ने ये काम किया। बाकी सभी स्टूडेंट्स का काम बिल्कुल वैसे ही था जैसा हम वीडियो में बना भी नहीं पाए हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आपने देखा भी है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो वीडियोज़ में आते नहीं हैं, कुछ स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं होता, या किसी का कैमरे के सामने आने का मन नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स ने काम किया है वैसा ही काम हमारे सभी स्टूडेंट्स का है। रीज़न यही है कि हमने जो आज सभी स्टूडेंट्स को ट्रॉफी दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, तो हमने सबको दिया है।
फर्स्ट प्राइज मैं बताऊंगी कि फर्स्ट प्राइज तो हमारा दीपशिखा का ही था, और वो मैंने फर्स्ट ब्लाउज में ही डिसाइड कर लिया था कि फर्स्ट प्राइज तो मुझे लग रहा है दीपशिखा ही लेके जाएगी। हर ब्लाउज में मैंने अनाउंस किया था फर्स्ट प्राइज, लेकिन सेकंड और थर्ड प्राइज में मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का बहुत परफेक्ट था काम और मैं नहीं डिसाइड कर पाई, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई कि सबने एक जैसा ब्लाउज, सबका परफेक्ट बन रहा है, तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी सबके लिए अवार्ड और ट्रॉफी सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि काम सबका बेस्ट था। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिन्होंने मतलब ब्लाउज में कुछ ऐसा लग रहा हो कि कुछ मिसिंग है, नहीं, सबका बहुत अच्छा था। आप भी हमारा नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है, कुर्ती और बॉटम आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने अपनी ऐप के ऊपर भी उसकी सारी डिटेल्स डाल दी हैं। बाकी जो स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबर पे आप कॉल और कॉन्टैक्ट करके इस बैच की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आप हमारे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि एक ही दिन में हमारी आधे से ज़्यादा सीटें बुक हो गई हैं, और बाकी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25 सीट्स रहती हैं, उसके बाद हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। स्पेस कम होने की वजह से जितना मशीनें हमारे पास हैं सिर्फ उतने ही स्टूडेंट्स हम रखते हैं बैच में, तो इसीलिए सब हमारी जब सीट फुल हो जाती हैं फिर हमारे यहाँ पर आप चाहकर भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसलिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे आपने यूट्यूब पर देखा है कि बेसिक चीज़ों में ही कितनी सारी चीज़ें सीखने की होती हैं, जैसे आपने भी देखा सिंपल ब्लाउज में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें पता ही नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल परफेक्टली सीखने को मिलता है यहाँ पर क्लास में। और आपको जो भी हमारा बैच होता है उसमें हम चाहते हैं कि उतने टाइम में अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल परफेक्ट बना दें, और चाहेंगे कि इन छोटे से जो भी हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, अभी हमने 45 डेज का कुर्ती और बॉटम कोर्स निकाला है, तो उसमें सभी टाइप के बॉटम और कुर्ती तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन चाहेंगे कि हमने वो सिलेक्टिव आइटम्स रखे हैं, सिलेक्टिव डिज़ाइंस रखे हैं, जिनकी हेल्प से आप बाकी के डिज़ाइंस भी बना सकते हो। जैसे हम पैंट बना रहे हैं तो पैंट से रिलेटेड आप बेल बॉटम पैंट, कार्गो पैंट, नॉर्मल पैंट, वो सारी पैंटें बना लेंगे, तो एक ही पैंट को हम इतना परफेक्टली एक्सप्लेन करेंगे कि उससे रिलेटेड आप जितना मर्जी पैंटें बना लें, जितना मर्जी आप डिज़ाइंस बना लें, तो सब आप खुद कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद अब आपको कैसा फील हो रहा है, इनको दे दीजिए माइक, बताएंगे। पहले बात तो मुझे ब्लाउज थोड़ा सा भी कुछ नहीं आता था, मेरे को उस ब्लाउज का मैंने आज तक एक भी पार्ट नहीं सिला, और मैं जितना कर पा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। मतलब इसकी मुझे खुशी है कि मैं ब्लाउज़ सिल लेती हूँ अभी नॉर्मल जैसा भी, अभी तो ये प्रैक्टिस का काम है और मेरे पास तो अभी मशीन भी यहाँ पे नहीं था, तो इतना परफेक्ट तो नहीं हो पाया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी घर पे जाके अच्छे से हो जाए। यस मैम, आपने बहुत अच्छे बनाए हैं, जैसे मतलब बिल्कुल भी स्टिचिंग का कुछ नहीं जी आता मैम, ब्लाउज का तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, वैसे तो नॉर्मली मतलब मशीन तो मेरे पास 6 क्लास से ही है, कुछ कुछ सिलती हूँ, लेकिन वैसे ब्लाउज का 1% मैंने आज तक टच भी नहीं करा। डांट खाई है ये मेरी। यस मैम, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है आप मुझे डांटते हो, क्योंकि मेरे लिए ही तो आप डांटते हो, वरना क्यों डांटते, ताकि मैं परफेक्ट कर पाऊँ। जिंदगी में चैलेंज लेना चाहिए। यस मैम, मुझे भी ना जैक मशीन कभी नहीं, मैंने तो भी दिखा ही नहीं। मैंने भी कभी नहीं टच करा जैक मशीन, मैं यहाँ पे पहली बार आके टच करूँ, मैं जानबूझ के उसी पे बैठी, ताकि मैं इसलिए तो आई हूँ कि मैं नया लूंगी तो मुझे पता तो चलना चाहिए चलती कैसे है। हाँ, पहले हाँ। दिन जो ममता ने धागा चढ़ाया था ना, हाँ। तब मैं वीडियो करके रखी थी। अच्छा, मैं तो देख के कैच कर ली, मैं तो दोबारा फिर बोली भी नहीं ममता देखो कि आप पक्के कर दो। तो अब बिहार जाएंगे तो क्या धूम मचाने वाले हैं, अभी तो प्रैक्टिस चलेगी 1.5 महीने तक लगातार। राइट, और अपने घर मैं भी चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि जाते ही आपको अभी नहीं किसी का स्टिच करना है, क्योंकि आपने यहाँ पर ही एक एक ब्लाउज बनाए हैं अभी, तो पहले अपने ही ब्लाउजों में परफेक्शन देखना है, आप क्यों क्या 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 गलती कर रहे हो वो सारी चीज़ें देखनी है, फिर अपने घर वालों का बनाना है, ठीक है। जब तक आप एक ही बारी में फिटिंग ना दे दें तब तक आपको अपनी प्रैक्टिस छोड़ना नहीं, फिर उसके बाद आपको बोर्ड लगाना है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन,
जब तक आप ऐसे ना बन जाएं कि एक ही बारी में बंदे को फ्लैट ना कर दें, तब तक आपको दूसरों का नहीं सर्विस नहीं देना है, नहीं देना है, ठीक है? तो ऐसे करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है आपको, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू मैम, और अच्छा करना यहाँ से जाकर। बिल्कुल, छोटी सी बच्ची है, बहुत क्यूट सी, स्माइल बहुत अच्छी है आपकी। हाँ, बहुत प्यारी, और वॉइस बहुत अच्छी है। हाँ। मतलब बहुत अच्छा लगा था जब फर्स्ट डे आया ना, तो मतलब बोली भाई लोग से लड़ाई करके आई हूँ। हाँ, उन्होंने बोल रहे थे कि आप मेकअप वाला कर लो, ब्यूटिशियन वाला कर लो। मैंने कहा मैं बचपन से करती आई हूँ मशीन वाला, फिर मैं ब्यूटिशियन कैसे पकड़ लूँ, वो तो फील्ड ही अलग है। मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था बिल्कुल भी, ब्यूटिशियन में इंटरेस्ट नहीं है। मैं बोली अगर तुम कहते हो तो बाद में देखा जाएगा, पर अभी तो मेरा ये ड्रीम है कि मैं सिलाई में कुछ अच्छा कर लूँ, क्योंकि मेरा इसमें इतना मन लगता है मैम कि अगर मैं पूरे दिन मशीन पर बैठ रही, मुझे भूख भी नहीं लगती ना प्यास लगती। मम्मी मार मार के बोलती है खाना खा लो, सच बता रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे बोल रही हूँ मैं। अगर मैं सुबह मशीन पर बैठ जाऊँ तो मेरे को टाइम का भी पता नहीं चलता कि कब शाम हो गई, बाहर देखती हूँ तब समझ में आता है कि शाम हो गया। इस लाइन में मैं हूँ मैम, तो मेरे को स्टिचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी भी सपोर्ट करती हैं कि ठीक है चली जाओ। मैं अभी मतलब पहली बार दिल्ली आई हूँ, मतलब इससे पहले मैं कहीं नहीं गई अपने घर को छोड़ के, और मुझे पसंद भी नहीं है मेरे को यहाँ पे, मतलब ऐसे मेरे को यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। मतलब ये लोकेशन, ये एरिया, यहाँ के लोग भी मतलब मेरे टाइप के नहीं है, थोड़े से वो है तो, क्योंकि एरिया चेंज होता है। यस मैम, यहाँ का पानी, इन्वायरमेंट, हर कुछ चेंज हो गया। और फिर मम्मी मेरे को बहुत मिस कर रही हैं, तो मेरे को यहाँ से बस जल्दी जाना है, और कोर्स भी अब तो कम्प्लीट हो गए हैं। अब कब जाओगे? मैं कल चली जाऊंगी। कल चली जाओगी? यस मैम। फिर दो दिन लगेंगे? हाँ, 13 को पहुँच जाऊंगी, 13 को 6:30 बजे। यहाँ से 4:30 बजे बस है, मतलब से इंटरसिटी वाली ट्रेन में वो नहीं था, सीट नहीं थी, तो बस से चली जाऊंगी। हाँ, भाई को बड़ा परेशान किया इतने दिन, 20 डेज भाई इनका यहीं पे था, तो भाई बहुत अच्छा है, आप बहुत लकी हो, इतना अच्छा भाई मिला। हाँ। बोलता है भाई चलो वोमिट हो रही है तो भाई चला, भाई चलो इधर चलो। हाँ, भाई वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छा भाई है। अच्छा। वो खुद से ज़्यादा मतलब हम लोग का वो करते हैं। अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। हाँ, देखा है वो, मतलब बाहर बैठे रहते हैं तब तक क्लास होती है, उनको भूख प्यास कुछ नहीं लगता है, जब तक मैं, जब तक मैं खाती नहीं वो भी नहीं खाते हैं, उनको भी खाना पसंद नहीं है। या फिर घर में मतलब सब लोग एक ही साथ खाना खाते थे, तो कोई भी अकेले खाना नहीं खाता है, तो जब तक मैं ना खाऊं, जब तक वो ना खाए, मतलब कोई नहीं खाता, तो इसलिए वो बैठे रहते, जब तक मैं लंच ना करूं साथ में बैठ के लंच करेंगे, इसलिए मैं सबके सामने लंच भी नहीं करती, उन्हीं के साथ जाके करती हूं। अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, अभी तो ठीक लग रहा है, वैसे जाने का भी एक्साइटमेंट है ना, घर जाना है। अब तो कंप्लीट हो गया, मुझे तो जाने का मन ही नहीं कर रहा। अच्छा, आपको मतलब होता है किसी किसी को कोई एरिया पसंद आ जाता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं एक ही दिन में सब कुछ सीख के चली जाऊँ। अच्छा, एक बार चली जाऊंगी ना, कब आऊंगी वो पता नहीं। हाँ, जेवा ने बहुत मेहनत करी है। हाँ, इन 20 डेज में सबसे ज्यादा मेहनत जेवा ने की है, उसने 2-2 बैच अटेंड किए हैं, और सुबह ही आ जाती है वो, और वो शाम तक जाती है, और नाइट में 8 o'clock के बाद जाती है वो, और उनको जो पीजी मिला है वो वहाँ पे मिला है काफ़ी दूर। आपका तो परफेक्ट हो गया, उन्होंने बहुत मेहनत की है, मतलब जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ब्लाउजेस कोर्स में करने के बाद भी उन्होंने दूसरा भी कुछ किया, और काफ़ी सारे आउटफिट बनाए हैं, जो फर्स्ट बैच वाले आउटफिट हैं वो भी उन्होंने बनाए हैं, और स्टूडेंट से पहले उन्होंने बना के रेडी किए हैं, फैब्रिक लेके आती थी और यहाँ पर बनाती थी, तो बहुत अच्छे से सीखा है। कह रही है मैं 20 डेज को मतलब पूरा यूज़ करना चाहती हूँ। हाँ। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगी, इतनी दूर से आई है। वो कहाँ से है वो जेवा? मध्य प्रदेश कुछ ऐसे ही? नहीं, मध्य प्रदेश नहीं मैम, वो उधर अभी केरला मूवी कहाँ हुआ था, केरला मूवी कहाँ का था वो, उधर साइड से केरला नहीं देखो, केरला स्टोरी? नहीं। हाँ, तो उधर ही वो साइड की है। अच्छा। हाँ, का वीडियो देखते ही दिन सारा दिन। हाँ, अभी तो सबसे ज्यादा इन्होंने यूज किया है वीडियो को, वीडियो इन्होंने एक एक वीडियो को 10 times देखा है, कम से कम 10 बार 50 बार। माँ फोन कर रही थी ना, क्या कर रही हो ऐसे बोलती है, वीडियो देख रही हूँ। क्या दिन भर वीडियो देखती रहती हूँ ऐसे बोलती है? नहीं नहीं, मैं मैम का वीडियो देख, अच्छा अच्छा देखो देखो। 10 बार देखने के सुनने के बाद समझ में आता है एक्चुअल चीज क्या है। yes, तब जाके, और क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, हाँ, वो सबसे बड़ी चीज है। हाँ, वो तो और ये आपके लिए सबसे कैच कर ले रही। हाँ, वो तो बहुत बड़ी बात। मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी चीज है कि आप हिंदी बोल रहे हो।
आपका लैंग्वेज तो कोई और है, अच्छा उनका लैंग्वेज कुछ और है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब ये आई है यहाँ पे तो इनके आपके लिए बहुत हार्ड था सीखना, फिर भी आपने सबसे बेस्ट काम किया है, सबसे अच्छा सिखाया, सबसे अच्छा किया है। मुझे नहीं लगता कि मैं 100% दे पाई हूँ। नहीं, 100% से भी ज़्यादा दिया है आपने, सच्ची। बट जब आप आए थे और फर्स्ट डे जब हम दोनों ने मिल के बात की, तब आपने मुझे बोला कि क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मना किया है ये कि हमें उन्होंने बोला कि हमें अभी इतना मतलब ज़्यादा नहीं आता है, तो हमने उनको मना किया कि आप मत लो ये बैच, लेकिन आपने जैसे ही मुझे बोला, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आपने दीपशिका को हाँ कैसे बोला, मैंने कहा दीपशिका को तो आता ही नहीं है, मैंने कहा ये 20 दिन में कैसे सारी ब्लाउज करेंगी, और फिर मैंने जब फर्स्ट ब्लाउज में आपने देखा ना, सच में मैं बिल्कुल ही मतलब अपोजिट कि कैसे मतलब, तो ये मेहनत है, लगन है, और वीडियो को बहुत बार देखा आपने, बोर नहीं हुए आपने, कुछ कुछ मतलब आपने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, नहीं आपने अपना फोकस नहीं हटाया, नहीं, सबसे बड़ी चीज यही थी कि आपने उन 20 दिन में मेरी वीडियो के अलावा फोन में कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, और यही वो चीज है कि बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने 20-20 सालों से बुटीक ओपन करे हैं, आपने उन सबको पीछे छोड़ दिया। यस मैम, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि जो स्टूडेंट बुटीक ओपन किए हैं, इतने सारे क्लाइंट को हैंडल करते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपका था। रीज़न वीडियो देखना, और रीज़न आपने बहुत मेहनत किया है, आप यहाँ पर यहाँ से जाने के बाद आपने पूरा वीडियो देखा है और बार बार वीडियो देखा है। और है एक रीज़न, क्या आप मैं क्योंकि आप इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हैं ना, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तब भी वो समझ जाते हैं, नहीं छोटी छोटी सी इतना लाइटली, इतना वो प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस इजी प्रोसेस में बताते हैं, हमारे लिए वही प्लस पॉइंट है। राइट मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं मतलब स्टूडेंट को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि बहुत इजी वे में वो लोग समझ जाए, उनको वो मतलब तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला ये सब चीज़ें नहीं, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले मैं नहीं बताती कि उलझनों में पड़ जाएं स्टूडेंट, बॉडी स्ट्रक्चर का नॉलेज होगा, सब कुछ इजी वे में हो जाएगा। वो सबसे मेन मेजरमेंट जो फर्स्ट डे मैंने क्लियर किया था, यस मैम, मेजरमेंट अगर सबका क्लियर है, मेजरमेंट आप सबके पास बिल्कुल परफेक्ट था, रीजन कि आप सबके एक ही बारी में सबकी फिटिंग आ गई। यस मैम, क्यों आई थी, क्योंकि मैंने अपने हाथों से सबके मेजरमेंट लिए थे फर्स्ट डे, और सबके पास मेजरमेंट सबका था और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट था, रीज़न यही हुआ कि सबको बिल्कुल एक ही बारी में फिटिंग आया, सिलाई के निशान के ऊपर सबने स्टिचिंग किया अपना अपना ब्लाउज, किसी को खोल के ठीक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे तो लगता है कि ज़्यादा डीप पहनने से शोल्डर गिर जाते हैं, लेकिन मैंने तो 1 इंच पे बनाया, मेरे सारे ब्लाउजेस तो 1 इंच हाफ इंच में बनाया ना, बिल्कुल तो हाफ इंच में रेडी था, आपका शोल्डर भी कम था, शोल्डर भी कम था, तो भी इतना फिट, वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने तो आज तक अपना सूट का भी 2 इंच से ज़्यादा नहीं काटा है, फिर मैंने 8 इंच पे काटा, मैं कैसे परफेक्ट बैठ गया, फिर मैं खुद ही सोच रही थी कैसे हुआ यार, फिर मुझसे अच्छा कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे में। पहला ब्लाउज मैंने 7 इंच पे बनाया था शायद, दूसरे ब्लाउज तो 8.5 पे बनाया, अच्छा 8.5 पे ही बनाया, इतना हैरानी वाली बात है। हाँ, मैं सोचती हूँ देख लूँगी, देख लूंगी मैम है ही पास में, है ही, सीखने आई हो तो कुछ बड़ा करूं, खराब करूंगी तब तो अच्छा लगेगा, हाँ तब पता चलेगा कि गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ मुझमें है या मेजरमेंट में है, अब प्रोसेस पता चल गया कि शोल्डर गिरने का क्या रीज़न है, और मैंने कितना मतलब डीपली बताया सबको, yes, और शोल्डर की जो ये नेक होता है एकदम ऐसे चिपक जाता है, यूज़ नहीं रहता तो बिल्कुल परफेक्ट बनता है, बिना डोरी के बनता है, बिना डोरी के। ए सभ्यसाची तो इतना सा, मैंने तुमने देखा था ना, हाँ अपना ही बनाया है सभ्यसाची, हाफ इंच, हाँ ऐसा मतलब पड़ती है ऐसे हाफ इंच पे, तब तो इतना फिट, बहुत परफेक्ट है। प्रिंसेस का तो बोलिए तो 2 इंच पे बनाया शायद, अच्छा 2 इंच पे,
सबने डीप बनाया। मैं मोस्टली मैं यही चाहती हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, क्योंकि मैं ज़्यादातर ब्लाउजेज जो लिए हैं सब डीप नेक में लिए हैं। यस मैम, डीप नेक लिया और विदाउट डोरी लिया है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट की, क्लाइंट की, सबके प्रॉब्लम ये है, शोल्डर गिरना, झोल आना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सारे ब्लाउज डीप नेक होने चाहिए, सारे ब्लाउज विदाउट डोरी होने चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ एक्चुअल में चीज़ क्या है, क्योंकि बेसिक यही है। अब जाके सबको बता सकती हूँ कि डीप नेक पहनने से शोल्डर नहीं गिरते, प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम कुछ और होगा। मैंने तो कल स्टेटस भी लगाया था, मैंने सिलाई सीख ली, जिसे गला कटाना है मेरे से रास्ता करे। गला कटाना मेरे से रास्ता करे। बहुत अच्छा। क्या करने वाले हैं बिहार में और क्या करने वाले हैं आसाम में? मैं जाके पहला काम वो करूँगी, जितने सारे ब्लाउजेस में यहाँ बनाया आपके पास बनाया, जाके पहले वहाँ बनाऊंगी, ये बनाऊंगी। उसके बाद बताती हूँ, उसके बाद किसी और के ब्लाउज बनाने हैं। हाँ। मतलब आपको अब साइज चेंज करना है अपने ऊपर। हाँ। एक्सपेरिमेंट हो गया है, परफेक्शन भी आ गया है, आ गया है, है ना? एक भी ब्लाउज बेकार नहीं हुआ। अब तो मैं ममता दी को भी नहीं बुलाती थी बैक पार्ट के लिए, कर लूंगी फिर बोलूंगी हाँ ठीक है बैक पार्ट का लगवा दो आप। अरे फ्रंट पार्ट का लगवा दो, बैक पार्ट तो हो गया। कहती हाँ थोड़ा सा ठीक हो गई हूँ, कहाँ बैक पार्ट तो मैं रट गई हूँ, उसका दिक्कत नहीं है, बस फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा देख। मेरा प्रॉब्लम पहले ब्लाउज में था, ममता को बुलाओ, ममता हाँ, खुशबू राखी मैम ये किया है वो किया है, जब एक बार देखा और जाके वीडियो जब मैं देखती हूँ देख लेती हूँ तब फिर हो गया। चलिए अब मन नहीं कर रहा है ना। कैसा लग रहा है? एक मेरा ड्रीम पूरा हो गया बस। पूरा हो गया। यस मैम, आपके पास आना मेरा एक ड्रीम था। सच बता रही हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैं भी कभी नहीं सो यहाँ आऊंगी, दिल्ली आऊंगी और आपके पास सीखूंगी, ये तो माइंड में आया ही नहीं। तो मैम के अलावा कुछ सोचती भी नहीं थी, मेरे को कहीं जाना भी है अब ब्लाउज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जब वीडियो मैं वीडियो देख के सोचती थी मैं यहाँ कब आऊँगी, मैं हाँ। मैम से कब बात करूँगी, मैम को कब देखूँगी। मैं लास्ट टाइम जब ऐसे ही मतलब पता करने आई थी तब आप क्लास ले रहे थे, मैं आपसे मिल नहीं पाई थी, सब सोचा मैम को बस देख लूँ क्या, थोड़ा सा अंदर जाके बस देख लूँ क्या। फिर जनवरी में मैं जब आई थी तो फिर ना 0 to 0 सीज़न लिया था, उस टाइम सोचा पहले एक महीने देख लेती हूँ क्लास लेके फिर चली जाऊँगी, थोड़ा मैम का आइडिया भी हो जाएगा कि मतलब किस टाइप से मैम बताती हूँ, मैं प्रिपेयर हो जाऊँगी उस टाइप के लिए, वरना जाऊँगी फिर कुछ समझ नहीं आएगा तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने 0 to 0 सीज़न ले लिया एक मंथ का, फिर उसके बाद सोचा तो मैम के पास जाना है। तो फिर सोचा, फिर जब मैं आई थी लास्ट टाइम तो बोला मैम को जाके मिल लूँ क्या, मैं सर से बोली भी सर मैं मिल सकती हूँ क्या मैम, मतलब अंदर का जाके मतलब देख सकती हूँ क्या कैसे क्या है। फिर सर बोले अभी तो क्लास चल रहा है, फिर हम लोग चले गए, उसके बाद बोले अब तो हमको जाना है। फिर घर में बहुत बात कर, मिलने आई थी और मिल नहीं पाई। यस मैम मिल नहीं पाई मैं, मेरा बहुत मन था मिलने का आपसे, आपको देखने का मन था, अंदर क्लास ले रहे थे, फिर मैं आपका आवाज़ ही सुन के बस चली गई, आवाज़ सुन के चली गई। यस मैम बेचारी बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, आज ढेरों सारी बातें कर ले। नो मैम, फिर मौका मिला तो फिर आ जाऊंगी। भाई आई और भाई ने तो देख ही लिया है कि मैम कैसे सिखाती हैं, तो फिर उसको लेके आ जाऊंगी, फिर लड़ाई कर लूंगी। अब आपके लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं। अब लगाने वाली है एडवांस कोर्स ज्वाइन कर। हाँ अभी तो ब्लाउज का जाके प्रैक्टिस करूंगी। हाँ। पहले गार्जियन को तो भी दिखा दूँ मैं कर सकती हूँ। थोड़ी देर अब ना ऑनलाइन कौन सा मंथ लिया था? 0 to 0 सीजन लिया था जनवरी में। अच्छा जनवरी वाला एक ही मंथ का लिया था। यस मैम था वो छोटे छोटे जो। यस मैम पॉकेट वगैरह हुक आई लगाना आपने बताया था।
तो वो किया था घर पे, फाइल बनाई थी? यस मैम। अच्छा, फाइल बनाई है? जी मैम, लेकिन बस हुक आई वाली बनाई थी और नेक वाली बनाई थी। अच्छा अच्छा, पिक्चर शेयर करना यहाँ से जाके। ओके मैम। और यहाँ से जाके जो भी बनाओगे तो पिक्चर शेयर करना। जी वो तो भाई बोल रहे थे कि मैम को बता देना कि मुझे आता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। भाई बोल रहे थे अभी मैम आपको डांट रही है ना, कोई बात नहीं, उनको पता नहीं है ना आपका एंड पे कितना इंटरेस्ट है, अभी घर पे जाके मैम को परेशान कर देना बना बना के, ये देखो मैंने बनाया है, आप डांटते थे ना। अभी मैं कभी कभी ऐसे जब भाई बैठा है तुम कह मेरे को मशीन ला के दे दो यार, मैम बहुत डांटती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं कर सकती हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ, तब अंदर से और बेकार लग रहा था, मैं कर सकती हूँ, वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैम कितनों को टाइम देंगे, कितनों का एक एक पॉइंट चेक करेंगे, मैं घर पर कर पाऊँगी तो मैम को जाके दिखाऊंगी। और फिर बोलता था ठीक है घर पर करके मैम को वीडियो फोटो भेज देना। ठीक है, अब जितने भी ब्लाउजेज हमने यहाँ पे सीखे हैं सारे ब्लाउजेज बना के खुद के ऊपर, यस मैम, फिर पिक्चर शेयर करना है जी, ठीक है, फिर वीडियो भी बनाना है, लो मैम मैंने ये बनाया है देखो कैसा लग रहा है, कैसे मैम ऐसे बना के बिल्कुल परफेक्शन जी, ठीक है, झोल वगैरह ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है, अवॉइड करनी है, हाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए कहीं पे भी। ओके थैंक यू। थैंक यू तो आपका मैम, आपने मुझे इतना अच्छा सिखाया तो वो कॉन्फिडेंस आया मेरे में कि मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक एक भी ब्लाउज नहीं सिला, और मुझे तो बस फ्रंट पार्ट का प्रॉब्लम था, जो ये दिए जाते पॉइंट, एपेक्स पॉइंट, ये सब मुझे थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता था। और एक बगल में आंटी सिलती हैं, उन्होंने मतलब वो जब से शादी हुई उनकी 10-12 साल सिलाई करती हैं, पर उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मेरी एक बहुत महंगी साड़ी है आप आके बना देना। मैं क्या बिल्कुल बनाऊंगी, हाँ वो रखी हैं, बोली बहुत महंगी साड़ी नहीं, है पहले अपना बनाना, हाँ वो तो मैंने बोला है अभी नहीं मैं प्रैक्टिस करूंगी उसके बाद मैं आपको बना दूंगी, पहले अपना बनाना है जी, मतलब उनका ऐसा बनाना है कि एक ही बारी में बना के फिदा हो जाए जी, ऐसे तभी तो बिहार को अपनी तरफ खींचना है ना, पूरा बिहार अपनी तरफ लेना है जी, तो बहुत आगे तक जाना है जी मैम, ठीक है, बिहार में आने वाले 2 सालों में 2 साल जी, आने वाले 2 सालों में कि जान जाएं आप लोगों को लोग सब, कि मैंने निशा राजपूत से सीखा है। लव यू मैम। ओके थैंक यू, थैंक यू मैम सो मच एवरीवन। बहुत सारी बातें हो गई हैं और ये सारी बातें हम दिल से कर रहे थे, यस मैम, हमारा कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हमारा कोई प्लान नहीं था, हमारे मन में जो आया वो हमने बोला और वो सब हमने शेयर किया, और बिल्कुल उस तरह से जैसे मैं क्लासेस देती हूँ, मेरी क्लास भी कभी कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती, मेरे पास कोई बुक नहीं है, नो मैम, मेरे पास कोई कॉपी नहीं है, मुझे 2 मिनट पहले भी पता नहीं होता मैंने मुझे कौन से बैच में क्या सिखाना है, मैं क्लास में एंट्री करती हूँ तब मुझे स्टाफ से पता चलता है आज ब्लाउजी से सिखाना है, आज ड्रैपिंग करना है, आज क्या करना है, मुझे कुछ पता नहीं होता, इसीलिए मेरा जो भी क्लास होता है वो सारा क्लास, कोई भी क्लास किसी से मैच नहीं होता, मतलब अगर आप मेरी ब्लाउजेस लोगे तो हर बार हर बैच में हर ब्लाउज का मेथड अलग होगा। अगर आप सोचेंगे कि मैम हमें सिंपल ब्लाउज सिखाया है फिर मैं दूसरा सिंपल ब्लाउज का ले लूँगी तो वो अलग ही होगा, उससे कभी किसी ब्लाउज में मैच नहीं होता, क्यों, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा रट्टाफिकेशन नहीं है, रटती नहीं हूँ मैं चीज़ों को, मेरे माइंड में जो आता है जो मुझे लगता है उस टाइम पर परफेक्ट रहेगा, और शायद मुझे लग रहा है ये गॉड गिफ्ट है मुझे, क्योंकि मैंने कहीं से कोई चीज़ सीखी नहीं है और बिना सीखे हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप से तो नहीं हो सकता, ये ऊपर वाले का ही कुछ है जो मेरे साथ हो रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि ऊपर वाले ने शायद मुझे इसीलिए दिया है सबके साथ बांटने के लिए, मैं इसको जितना बांट रही हूँ वो उतना ही बढ़ रहा है रियली एवरीवन, ये सच है, और थैंक्स टू गॉड। और मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं दिन में 3 बार थैंक्स बोलती हूँ गॉड को, अच्छा मेरे पास रहती है वो हमेशा, मैं घर से लेकर आती हूँ उस डायरी को और यहाँ पर लिखती हूँ, और फिर रात को सोने से पहले लिखती हूँ, सुबह सोते उठते ही सबसे पहले ये काम करती हूँ, मैं डेली गॉड को थैंक यू बोलती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि सबको बोलना चाहिए, सबको गॉड को डेली थैंक यू बोलना चाहिए कि हमें इतना अच्छा लाइफ मिला है, और इस लाइफ में हमें इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतने अच्छे मेरे स्टूडेंट्स मिले हैं, इतना अच्छा स्टाफ मुझे दिया है, तो थैंक्स टू गॉड, और ये मुझे लग रहा है सबको करना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।